गुरुवार को सतवास पुलिस टीम द्वारा सागौन की बेशकीमती सिल्लियों के साथ आरोपियों को पकड़ा है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विक्रांत झंझट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो युवकों को बिना नंबर की शाइन मोटरसाइकिल पर इमारती सागौन की सिल्लियां ले जाते हुए पकड़ा है, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध लकड़ी व बिना नंबर की बाइक जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम एवं चोरी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। सतवास से जीतू सिंघी की रिपोर्ट। आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के माध्यम से कि दो युवक हैं कोई बिना नंबर की शाइन मोटरसाइकिल पे अवैध रूप से सागौन की जो सिल्लियाँ होती हैं, इमारती जो होती है सागौन, उसकी सिल्लियाँ लेकर भेरूपुरा तरफ जा रहे हैं। इसकी सूचना पर हमारे उपनिरीक्षक हैं एस के चौहान साहब और हमारा बल है, उस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करके दो युवक हैं, एक युवक है गोलू उर्फ अरमान, पिता अब्दुल, 19 वर्ष, खारी का रहने वाला है, और एक युवक है मुनव्वर, पिता अशालत खान, ये बालिया का रहने वाला है। इन दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ा और इनके पास से अवैध रूप से बिना नंबर की शाइन मोटरसाइकिल पर अवैध परिवहन कर रहे थे सागौन की इमारती लकड़ियों का, 4 सिल्लियाँ इनसे विधिवत रूप से जब्त की गई है और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, वन अधिनियम और चोरी के अंतर्गत केस पंजीबद्ध कर इनको माननीय न्यायालय पेश करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।